आपके बीच में इस शहर में भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जिसकी प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। मित्रों, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र रमेश जी, अपने अध्यक्ष भाषण में आज की देश और दुनिया की परिस्थिति के बारे में थोड़ा उल्लेख कर रहे थे। आज पहली बार शायद बहुत लोग बिना मास्क के कोई पब्लिक प्रोग्राम में आए होंगे। इसका अर्थ नहीं है जिन्होंने मास्क पहना है वो कोई गलती कर रहे हैं, या हम लोग भी जो मास्क नहीं पहन के आए वो भी कोई गलती कर रहे हैं। सोसाइटी में चैलेंजेस आते हैं, उसकी ट्रांजिशन पीरियड में हम ऐसे ही प्रवेश करते हैं, उसको आगे बढ़ के। नॉट वायरिंग द मास्क इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मल्स। कैसे चला दुनिया पिछले 2-2.5 साल, दुनिया चला कैसे? एक प्रकार से दुनिया की कोई फैमिली नहीं होगा। मैं जब दुनिया कहता हूं, 700 करोड़ की दुनिया, डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स को लेके ये दुनिया, विभिन्न देशों को लेके दुनिया, ऐसे कोई दुनिया की देश नहीं है जो इस ग्लोबल पैंडेमिक को नहीं चला, उसमें जर्नी नहीं किया, उसके अपव्यय को नहीं सामना किया। अर्थनीति, समाज जीवन, मनस्थिति, सारे चीजों में एक नई पैराडिग्म आ गया देखते देखते। आज हम 2022 अप्रैल में है, ठीक 24 महीना पहले कल्पना करिए लॉकडाउन के अंदर हम लोग थे, लेकिन कारोबार चला, उसके आगे बढ़ते बढ़ते गए। 2-3 चीज हुए हैं इस बीच में। अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, मिस्टर ट्रंप से मिस्टर बाइडेन की नेतृत्व आया, दुनिया की इकोनॉमी में है। सही गलत इसकी विवेचना मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कभी मैं इसको आज इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, इन दिनों में आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा, जब ऑयल प्राइस ऊपर पहुंचा, स्काई रॉकेट हुआ, रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के कारण, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने के कारण, और सैंक्शन देखिए कभी कभी ताकतवर लोग अपने रूल्स खुद बनाते हैं। यूरोपियन वॉर ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने, फिर रशिया और यूक्रेन की झगड़े की एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन फॉलोआउट हो रहा है जिसकी इंपैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी में भी आ रहा है, उसको उल्लेख करना चाहूंगा। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा, लेकिन अभी भी यूरोपियन कंट्रीज अपने एनर्जी कंजम्पशन के 50% अभी भी रशिया से ला रहे। ये न्यू रूल्स है, सैंक्शन आप ही ने लगाया, लेकिन मेजर कमोडिटी को आप अभी भी ले रहे हैं, और उसकी नया जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट देखिए। कभी सोचिए, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों जाते हैं, अभी पिछले सप्ताह वॉशिंगटन में थे माननीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय जयशंकर जी, तो घटना हुई उसके ऊपर, मैं उसको इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं।